मिलेनियर सब्सक्राइबर गेनर के सेटअप के सामने खड़ा हूँ, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको उनका सेटअप बताता हूँ, क्योंकि उनका सेटअप का करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय, दिस इज अली, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अली सर व्लॉग में। तो जिस तरीके से आप जानते हैं गाइस कि हम लोग अकोट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अकोट के अंदर आए और अकोट में आने के बाद अकोट जिस यूट्यूबर की वजह से जाना जाते हैं, हम उसको ना देखें, उससे ना मिले, उसको ना मीटअप करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग नाइंसाफी करेंगे। तो इस तरीके से आपको हिंट तो मिल गई होगी कि अकोला और अमरावती के सबसे बड़े यूट्यूबर के आज हम सेटअप पे जाने वाले हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर गेन किए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं उनका कैसा है सेटअप और कैसा रहेगा उनका पूरा जो जर्नी, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उनसे करेंगे कुछ सवाल। तो चलिए चलते हैं। Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just two. हाँ, तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुर्तजा भाई के घर के पास, जो कि ऑल इन वन न्यूज चैनल के ऑनर हैं। तो ये रहा उनका घर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा होगा उनके वीडियोस वगैरह में। तो ये है उनका घर, तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैसा है उनका सेटअप और कैसी रही उनकी जर्नी। तो चलिए चलते हैं सेटअप पे। हाँ गाइस, तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग ऑल इन वन न्यूज़ चैनल के ऑनर सैयद मुर्तजा जी के सेटअप पे आए थे, तो अभी हम मौजूद हैं उनके सेटअप पर। जिस तरीके से आपने उनके झोपड़ी से महल वाले वीडियो के अंदर उनका पूरा सेटअप देखा होगा, उनका पुराना घर देखा होगा, उनकी जर्नी देखी होगी, तो आज मैं ये चीज़ देखकर जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम इस मिलेनियर सब्सक्राइबर गेनर के सेटअप के सामने खड़ा हूँ। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको उनका सेटअप बताता हूँ, क्योंकि उनका सेटअप का पूरा उन्होंने व्लॉग ऑलरेडी उनके वीडियो में डाल रखा है, आप जाकर उनके चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो ये उनका टेरेस थर्ड फ्लोर पे, थोड़ा बहुत तो प्लांटेशन वगैरह करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उन्होंने बनाए रखे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, मगर अभी फ़िलहाल उन्होंने सेटअप पूरा उनका तैयार कर लिया है। तो ये है उनका सेटअप, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अभी आप जो चीज़ें देख रहे हैं, ये हर एक यूट्यूबर का सपना है गाइस, वो बिगिनर हो, वो स्ट्रगलर हो, या फिर वो कुछ अचीव कर चुका हो। जी हाँ, सिल्वर और गोल्ड प्ले बटन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर बैठते हैं हमारे सैयद मुर्तजा जी, जिस तरीके से उन्होंने उनके सेटअप के बारे में पूरा बताया हुआ है, माशाल्लाह से सारी चीज़ें ये देख सकते हैं आप। और जिस तरीके से हम बाहर से अभी मैंने आपको व्यू बताया था, तो उनके विंडो के ऊपर भी उन्होंने यूट्यूब का लोगो और 1 मिलियन का लोगो लगाया था, तो देख सकते हैं जी। अच्छा, तो यह है सैयद मुर्तजा जी, शुक्रिया। तो अकोट आए और आपसे मुलाकात नहीं हो तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो इसके लिए मैंने सोचा मैं आपसे मिल ही लूँ, क्योंकि आप सिर्फ ना कि सिर्फ अकोला बल्कि अमरावती ज़िले के भी सबसे बड़े यूट्यूबर हैं और सबसे बड़े सब्सक्राइबर गेनर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कुछ चंद सवाल करूँ, ताकि आप मुझे उन चीज़ों के बारे में बताएं, आपकी जर्नी के बारे में बताएं। तो चलिए थोड़ा सा बैठते हैं और समझते हैं आपकी जर्नी को, ठीक है? चलिए। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम लोग ने इससे पहले मुर्तजा जी के पूरे सेटअप का व्लॉग लिया, अभी हमारे साथ मुर्तजा जी मौजूद हैं।
और सबसे पहली चीज़, उनसे कुछ बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं किसी मिलेनियर सब्सक्राइबर से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और एक अलग फीलिंग्स, अल्लाह बेहतर जानता है, मेरी एक अलग फीलिंग्स हैं कि जो बंदा स्ट्रगल करके लाइफ में यहाँ तक पहुँचा है और मैं आज उसके बाजू में बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बिना वक्त गंवाए हम लोग हमारी बातचीत शुरू करते हैं। और सबसे पहले मुर्तजा जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे वक्त दिया और मुझसे बात की, मेरे पास बैठे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहली बात तो आप मुझे पहली बार नहीं मिल रहे हो, जो भी देख रहे हैं उन सबको बता दूँ ये टीचर है, मतलब सर है, इन्होंने मुझे ट्यूशन में पढ़ाया 11-12 के अंदर शायद, सही बोला सर जी। और सर आपका यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद मैंने कभी सोचा था भी नहीं कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया और वो मुझे मिलने के लिए आएंगे पेशअप, कभी नहीं सोचा था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट है और कभी भूल भी नहीं सकता मोमेंट को मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ये एक बड़े दिल वाले की बात होती है कि आप वहाँ तक पहुँच जाने के बाद में मुझे मतलब अभी भी उसी रिस्पेक्ट से लेके चलते हैं, क्योंकि लोग जब आगे बढ़ जाते हैं ना तो चीज़ों को भूलना शुरू हो जाते हैं। और आज के 21st सेंचुरी के ज़माने में इस तरीके की मतलब रिस्पेक्ट की उम्मीद आप बहुत कम करते हो। तो बहरहाल जो भी है बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुर्तजा जी यहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने सिल्वर बटन गेन किया, उन्होंने गोल्डन बटन गेन किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उनसे उनके जर्नी के बारे में पूछते हैं। मुर्तजा जी, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपको एज अ यूट्यूबर बनना है, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सर जैसा कि मैंने मेरे पिछले इंटरव्यू के अंदर ही बताया था, मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहता था जहाँ पर अमित भड़ाना को आप जानते होंगे, जी जी जी, हाँ। जो कि काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनके वीडियोस देखता था मैं। फिर मुझे उनके वीडियोस देख देख के ऐसा लगा यार चलो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने फिर वाइंस का चैनल चालू किया। अच्छा अच्छा, देखिए आपने मेरा पिछला चैनल है जिसमें शायद 19,000 कुछ सब्सक्राइबर है, उसमें वाइंस वगैरह के दोस्तों के साथ वीडियो मतलब बनाता था मैं। लेकिन असल में क्या होता था ना, जो दोस्त लोग हैं वो इकट्ठे मतलब साथ में जुड़ते थे नहीं, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम है, कोई कहाँ पे जा रहा, कोई कहाँ पे जा रहा, इसलिए फिर वो चैनल मुझे बंद करना पड़ा। अभी भी मेरा चैनल आप जाके देख सकते हैं सैयद मुर्तजा करके। अच्छा अच्छा, आपको उसके अंदर मेरा पुराना कंटेंट देखिए जो पहले जो बनाता था। ओके, तो मैं उसी तरफ आने वाला था, जैसे कि मैं आपने एज अ वाइंस यूट्यूबर के तौर पर स्टार्ट किया था, मैंने आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह को उसमें देखा है, आपने कुछ कॉमेडीज़ वगैरह भी कंटेंट डाले थे उसके अंदर, उसको आपने मतलब बंद करने की वजह आपने बताई कि वो लोग सब एक साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। तो हाँ हाँ, तो इसीलिए मैं आपसे आगे ये भी पूछना चाहूँगा कि उसका इंस्पिरेशन मतलब आपको कहाँ से मिला, अमित भड़ाना जी के यूट्यूब चैनल से मिला, या आप लोगों ने बैठ के किया, या फिर वो थोड़ा सा मुझे उसकी जर्नी बताइए कि आप लोग कैसे उसके स्क्रिप्ट बनाते थे, कौन डायरेक्शन करता था, किस तरीके से चीज़ें होती थी, थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए। सर वो तो अमित भड़ाना से मिला मुझे, और रही बात सर वो डायरेक्शन की, ये सब सारी चीज़ें हम खुद ही करते थे, डायरेक्टर भी हम खुद थे सर, प्रोड्यूसर सब कुछ हम थे सर, बस हमारे पास एक मोबाइल था और जंगलों में निकल पड़ते थे निकालने। अच्छा, मतलब सिंपल मोबाइल से आप उसको करते? जी सर, अभी भी सिंपल मोबाइल ही सर मेरे पास। माशाल्लाह, देख सकते हैं आप, अभी भी सिंपल मोबाइल है, सब्सक्राइबर गेनर के पास सिंगल मोबाइल है और मोबाइल से एडिटिंग भी करते हैं, मोबाइल से ही जो है वो सारा शूट भी करते हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा सेटअप होना चाहिए, DSLR होना चाहिए, कुछ भी ये होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो है लेवल से, अर्थ लेवल से जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मुर्तजा जी, आपसे अगला मेरा सवाल ये रहेगा, आज वो बच्चे, आज वो बंदे लोग मतलब जब आपसे मिलते हैं तो क्या अभी भी कुछ लोगों का आपके कहना है कि आप बदल गए हो, तो क्या ये सही है उन लोगों का, आपके क्रिटिक्स का कहना कि आप जो वाइंस में पहले बंदे मिलते थे आप उनसे उतना वक्त नहीं दे पाते? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बदला नहीं हूँ सर मैं जी, और बदलने की कोई सर वजह भी नहीं है सर, भले ही ऐसा है सर, काम की वजह से कोई बाहर निकलना नहीं होता, किसी से बातचीत करना नहीं होता ज़्यादा, पहले ऐसा फ्री रहते तो सर किसी बातचीत ऑब्वियसली हो जाती सर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, नहीं हो पाता, क्योंकि अब पूरा दिन काम में जाता है सर, न्यूज़ ढूंढने में, हर चीज़ को कंटेंट बनाने में, और बहुत सारों का आपका ही सर, कई सारे लोग बोलते हैं तो घमंडी होगा, ये हो गया सर, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, घमंडी तो हम कभी हो ही नहीं सकते सर। ये चीज तो मैंने अभी सिंगल लाइन से ही देख लिया, आप देख सकते हैं, मैंने तो ये बोला था कि मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, मगर मुर्तजा जी ने रियल चीज मुझे बता दी और इतने पुरानी बात भी उन्होंने मुझे याद दिला दी, और जो मतलब मैं हूँ वो मुझे बता दिया कि मैं उनका टीचर वगैरह था। तो खैर जो भी है, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा मुर्तजा जी कि मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपने इंस्पिरेशन ली, आपने वाइंस बनाए, फिर वाइंस को आपने बंद कर दिया, तो आप ये
इस तरीके के जो हॉलीवुड या फिर ओटीटी के जो कंटेंट्स बनाते हैं, तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, आपके माइंड में कैसे आया? और कुछ लोगों क्रिटिक्स का ये कहना है कि आपका R2H के साथ या फिर 007 टीम के साथ जो है कहीं ना कहीं सेटिंग्स है जो आपको जो है डिटेल्स लीक होती है, क्या ये सही बात है? हाँ सर, जो राउंड 12 के जितने मतलब जो भी है जो काम करने वाले बैकग्राउंड में कैमरामैन ये जितने भी लोग हैं उनसे मेरी अच्छी बातचीत है, लेकिन सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, इतना कि बातचीत हो जाती है हेलो ये। अच्छा, हाय हेलो। और सर मैं ऑल टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, ओके, सिर्फ OTT यानी ऑल टॉपिक जो इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग चल रहा है, चाहे वो कोई भी युवा चले, चाहे वो हिजाब चले, कोई भी जैसा भी युवा चलता है उसके अंदर मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही जो ऑल इन वन न्यूज़ है। अच्छा, अगला आपसे मेरा सवाल ये रहेगा मुर्तुजा जी, मुझे ये बताइए कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब आपका सेटअप वगैरह देख चुके हैं, आपकी जर्नी देख चुके हैं, मुझे थोड़ा इन शॉर्ट बताइए कि आपका फैमिली किस तरीके से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, और आपका जर्नी किस तरीके से रहा, मतलब आपने जो वाइंस तो उससे पहले आप क्या करते थे? मैं जानता हूँ आप दर्जी, आपने बताया आपके इंटरव्यू में दर्जी वगैरह काम करते थे, इसके अलावा ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पर आपको लगा हो कि नहीं यार अब लाइफ में कुछ नहीं करना है, लाइफ में अब आगे कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कोई मोमेंट आया आपके लाइफ में? सर वो तो आप सब जानते हैं मैं क्या करता था पहले, क्या नहीं करता था आपको बताओ, मेरा बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा लो है, मिडिल क्लास से भी लो था जी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गया सर, वो बैकग्राउंड ठीक होते जा रहा था। और पहले तो आपको पता मैं क्या करता नहीं, सही पहले कॉलेज, फिर उसके बाद दर्जी का काम, ये सारी चीज़ें स्ट्रगल में चलती रही, स्ट्रगल में चलती, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जी क्या आगे यहाँ आगे बढ़ नहीं, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग जो है सिंपैथी गेन करने के लिए अपने चीज़ों को बताते हैं कि मैं ये था भाई, मैं वैसा था, मैं यूँ था, यहाँ पर वो मामला नहीं है गाइस, आप रियली आइए आकोट, अकोला ज़िला के अंदर है, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आकर आप कहीं पर भी मुर्तुजा जी के बारे में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली मेरे चैनल पर ऑफिशियली आपको चीज़ बता रहा हूँ कि वो जैसे थे वैसे ही हैं, उनके अंदर कोई घमंड तकब्बुर नहीं आया है माशाल्लाह से। और दूसरी और अहम चीज़, वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब लो मिडिल क्लास से होकर आए हैं, उन्होंने दर्जी का काम किया है, उन्होंने दीगर बहुत सारे ऐसे 10 लोग आपको मिल जाएंगे, उनके मोहल्ले में मिल जाएंगे, उनके गाँव में मिल जाएंगे, जो लोग उनके बारे में बताते हैं कि वो कहाँ से और कैसे आए हैं। और माशाल्लाह आज आपकी दुआओं का नतीजा है कि आपके सपोर्ट का नतीजा है कि वो आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि इन फ्यूचर आपका प्लान क्या है, मतलब क्या आप नए चैनल्स क्रिएट करेंगे या फिर जो आपका चैनल है ऑल इन वन न्यूज़ उसी को आप आगे लेके चलेंगे? सर अभी तो मेरा सेकंड चैनल पे मैं डाल ही रहा हूँ सर, कुछ बिजनेस के आइडिया कुछ रिलेटेड आप देख सकते हैं सर जी। और सर जो मेरा मेन जो फोकस है सर बिजनेस पर है, बिजनेस मतलब मैं बिजनेस करना चाहता सर, आपने यूट्यूब कितना भी करा कुछ भी किया, बिजनेस वाले की बात नहीं आती सर, जो बिजनेस मैन रहता ना, और मेरा बचपन से मतलब जो सोच है वो बिजनेस की, ये तो एक सर क्या बोलेंगे इसको, अच्छा एक सर ये वो है लिंग है समझ लो सर, इससे जुड़ा हुआ अच्छा, अच्छा, इससे पार्ट टाइम है, हाँ सर पार्ट टाइम है, लेकिन सर मैं इस पर फुल मेहनत करता हूँ, मेरा 100% देते हैं क्योंकि इसी से सब कुछ हुआ, अच्छा अच्छा पहचान हुई आप यहाँ तक क्या इसी की वजह से है, लेकिन जो मेरा मेन फोकस सर वो बिजनेस है। ओके ओके, तो आपसे अब आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो चलिए बात करते हैं बिजनेस की, थोड़ी बहुत हम पैसे की भी बात कर लेते हैं, जानता हूँ यूट्यूब का जो है एक मसला है, हम यूट्यूब की जो भी चीज़ें हैं उसको लीक नहीं कर सकते, मगर मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हिंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं, मेरे व्यूवर्स को मेरे सब्सक्राइबर्स को बता सकते हैं, हाथ और पैर में जितनी उंगलियाँ हैं उन उंगलियों के हिसाब से आप मुझे बता दिए, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में या लैक्स में, कुछ लोगों के अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, कुछ लोगों की अलग अलग जो है बातें चल रही हैं कि आप इतना पैसा कमाते हैं, आप उतना पैसा कमाते हो, तो आप मुझे सिर्फ एक हिंट के जरिए मेरे सब्सक्राइबर को मेरे व्यूवर्स को बताइए कि अभी आपका मंथली अर्निंग क्या हो सकता है, मतलब हाथ और पैर की उंगलियों से आप बता सकते हैं मुझे? सर वो अर्निंग तो मैं बता नहीं सकता सर जी कोई मसला बस इतना है सर कि बस सब ठीक ठाक चल रहा है, चल रहा है। और सर जो मेन जो मैं पैसा कमाता हूँ बिजनेस से कमाता हूँ। ओके ओके ओके, ये एक्स्ट्रा ये मतलब पार्ट टाइम है? हाँ सर ये बस करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, शुरू कर दिया था, इसको करना है 100% देना है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, अच्छा एक आपसे अगला मेरा सवाल ये रहेगा, ये तो सब बातें हुई, मैं आपके जरिए से पूछना चाहता हूँ कि जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं या बिगिनर्स आ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो यंगस्टर्स हैं, वो कम वक्त में चाहते हैं कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उनका चैनल ग्रो कर जाए, वो आगे बढ़ जाएं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लाइफ में स्टडी में कैसी जर्नी थी और यूट्यूब में ग्रो करने के लिए कितना वक्त लगता है? सर सबसे पहली बात तो सर सक्सेस
कोई आसान चीज नहीं है चलो जाके खरीद के ला लो सर, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बस फर्क इतना है कि किसको 5 महीने मिल जाता तो किसको 10 साल के बाद, बस उतना ही फर्क है, लेकिन मेहनत सभी को करना पड़ता है। और सर जो बिगिनर जो यूट्यूबर आ रहे हैं वो एक दूसरे को देख के आ रहे हैं वो सर कुछ, अच्छा मतलब कुछ नया कुछ इवेंट लिए आप अगर लाते कुछ, हो कुछ नया करना पड़ेगा। अच्छा तो फिर कुछ तो जैसे ही कर रहे हैं ना, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो आपको। अच्छा। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि कुछ यूनिक करके हम आगे बढ़े। ओके अच्छा आपसे मेरा एक सवाल आखिरी ये रहा है कि मुझे ये बताइए कि कई सारे लोगों का कहना है कि आप कॉन्ट्रोवर्सियल कंटेंट डालते हैं जिसकी वजह से आपके जो है व्यूवर्स गेन होते हैं, क्या ये सही बात है कि आप कॉन्ट्रोवर्सी वाली चीज़ें ज़्यादा डालते हैं? अभी अभी आपके वीडियोस पर डिस्क्लेमर आना शुरू हैं, तो क्या ये सही बात है, लोगों का ये सही कहना है, आपके जो क्रिटिक्स का कहना है कि आप कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ें ज़्यादा डालते हैं इसके लिए आपके व्यूज़ गेन करते हैं, या फिर पर्टिकुलर आप एक कम्युनिटी पर जो है अटैक करते हैं इसकी वजह से ये होता है, ये सही बात है? क्योंकि मैंने जहाँ तक आपको पर्सनली देखा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने हर चीज़ पर बात की है, मैंने आपको थोड़ा बहुत रिसर्च किया आपके चैनल के बारे में, मगर फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूँगा क्या ये सही बात है? सर ऐसा नहीं है, मैं हर ऑल टॉपिक पे वीडियो बनाता था सर। अब कंट्रोवर्सी तो जब आप करेंगे तो हमको तो बताने पड़ेंगे ना, पब्लिक के सामने एक्सपोज तो करने पड़ेंगे ना, आप करेंगे और ऐसा। ओके ओके सही बात है। ओके तो ये थी हमारे मुर्तजा जी के साथ हमारी मुलाकात, थोड़े बहुत तीखे सवाल ज़रूर थे और कुछ चीज़ों को वो पास आउट कर गए, कुछ चीज़ों को उन्होंने खुल के बता दिया, तो हम उनसे यही उम्मीद ये करेंगे कि वो जैसे अभी हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे रहें। आप मेरे चैनल के थ्रू मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, आप इनसे आकर मिल सकते हैं। हाँ इनका प्रेफर्ड टाइम लेकर आना पड़ेगा, प्रेफर्ड टाइम लेकर आए आप, उनके उन्हें आए उनसे मिले उनसे बातचीत करें। ये माशाल्लाह मिजाज से और बहुत अच्छे हैं, इन 24/7 आप अगर बोलेंगे तो ये अवेलेबल है, मगर इनका प्रेफर्ड टाइम, क्योंकि आप जानते हैं हम यूट्यूबर्स हैं हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, तो आप आ सकते हैं इनसे मिल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई आप रूमर्स पर ध्यान ना दें कि वो घमंडी हो गए हैं या उनके अंदर एरोगेंट आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत सिंपल है। आप आए उनसे मिलें और उनसे कुछ नया सीखें, जो भी बिगिनर्स हैं जो भी नए यूट्यूबर्स हैं आप उनसे आकर नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है इनसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मेरे भाई मुर्तजा के चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा लाइक और मोहब्बत दें। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए